अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ ज़ेफ़ी ब्लॉगर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस यार, आज हम दोबारा हाजिर हैं आपके साथ और आज हम अभी हाजिर हैं मैरीटाइम म्यूज़ियम में, जिसे नेवी म्यूज़ियम के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इधर आए हुए हैं, सिंध कल्चर डे फेस्टिवल लगा हुआ है, कोई फैमिली फेस्टिवल है। तो हम लोग तो हैं मतलब हरामी, तो हम लोग जो है ना फैमिली के बगैर ही घुस गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग हैं अल्ट्रा हरामी, ठीक है ना। तो अभी हम जैसे अंदर आए हैं, शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता विज़िट करना। पहले म्यूज़ियम जाएंगे, म्यूज़ियम के बाद जो इधर स्टॉल्स लगे हुए हैं वो सारा देखेंगे हम। तो आप को भी दिखाएंगे, मुझे यकीन है आप लोगों को मज़ा आएगा, क्योंकि इधर सिंध के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं नहीं मिलती, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाऊँगा और मुझे उम्मीद है आपको देखने के बाद मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे उन चीज़ों को, क्योंकि वो ऐसी नई नई चीज़ें हैं और बेहतरीन किस्म की चीज़ें हैं। तो जैसे जैसे मैं अभी शुरू करता हूँ व्लॉग, तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो ठीक है गाइस, अभी हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, पहले हम चलते हैं जाके स्टॉल्स देख कर आते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे, ठीक है भाई। तो भाई यार, ये बच्चे का स्केच बन रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये इस बच्चे का ये स्केच बना रहे हैं, अच्छा स्केच बना रहे हैं। तो भाई यार, असल में सिंधी कल्चर में ये चीज़ें होती हैं, मतलब अजरक हो गया, सिंधी टोपी हो गई, ये वगैरह चीज़ें होती हैं। इधर कराची के अंदर एक से बढ़ के एक अजरक मिलती है। ये सिंधी टोपी है, बड़ी खूबसूरत किस्म की बनी हुई है, साथ ही अजरक चादरें, ये सारी चीज़ें हैं। आगे इधर जानमाज वगैरह हैं, वो भी दिखाता हूँ मैं, कल्चर की ड्रेसेस पड़े हैं, ड्रेसेस। सिंधी कल्चर की खासियत है, ये देखें जैसे आप देख रहे हैं लोग कितना प्यारा डांस और तो यार ये स्टेज लगा हुआ मेन स्टेज, और ये साथ फूड कोर्ट है सारा। दारुल सेहत का अवार्ड जो है वो शेफ समी साहब रिसीव कर रहे हैं, टोटल सारा का सारा जो है ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। प्लीज आप स्टेज पे तशरीफ लाइए और अपनी शेयर रिसीव कीजिए। दानिश कदा से अकरम साहब तशरीफ ला चुके हैं।
गाइस यार अभी बस हम निकलने लगे हैं यहाँ से, और बेसिकली जो फंक्शन था वो ये था सिंध कल्चर डे। इधर मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स थे, और इसके अंदर हमारी जो सिंध की सकाफत है, जो कल्चर है, उसको दिखाया जा रहा था कि हमारी सिंध का कल्चर कैसा है। फिर इधर क्या कहते हैं कि हमारी जो जो मज़दूर लोग हैं उनकी भी क्या कहते हैं, उनके लिए भी गार्ड ऑफ ऑनर था। तो काफ़ी अच्छा था इधर माहौल। और बस अभी हम यहाँ से जाने लगे हैं, और यहाँ से अभी हम जाएंगे पहले हनीफ सरी, वहाँ पे कुछ खाए पियेंगे, फिर उसके बाद हम निकलेंगे घर को। तो चलते हैं अभी उधर, तो आपको दिखाते हैं, इंजॉय करते हैं हम भी, आप भी थोड़ा सा इंजॉय कर लें। भाई यार अभी आए हैं बिरयानी खाने, और बिरयानी खाएँगे बिरयानी आती है तो शुरू करते हैं। तो भाई यार चिल सीन है, और अभी हम शुरू करते हैं, साथ भाई भी हैं, और बस हम खाना भी शुरू करते हैं, इंजॉय करते हैं, आप भी करें। तो भाई यार अभी हमने बिरयानी खा ली है, और अब हम वापस जा रहे हैं, और वापस घर जाएंगे, और घर जाके जो ना बस अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, रेस्ट करेंगे, और तो कुछ नहीं है। बाकी ट्यूशन सुबह में हुए थे, वैसे इस टाइम होता है ट्यूशन का, तो अभी ट्यूशन सुबह में हुआ, अभी फ़िलहाल घर जाएंगे, घर जाके आराम से बेड पे लेटेंगे, उसका नींद आएगी। गाइस यार यही था आज का व्लॉग, अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बाकी गाइस यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ ब्रदर्स, अल्लाह हाफिज़।